मॉर्निंग क्लास थर्ड. टुडे आई विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 7 मनी. एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 2. आई हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. मैंने आपको सिर्फ कल की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, मैंने सिर्फ वो करवाया था आपको कि कैसे इस टाइप से, मतलब इसमें जो एक्सरसाइज सेकेंड है उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस हैं. सो नेक्स्ट तो देख लेते हैं हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड. सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पैसे, एक्सप्रेस में कन्वर्ट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस इन पैसे, पैसे में चेंज करना है. ठीक है, एक्सरसाइज 1 में भी पैसे में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन थे और इसमें भी डिफरेंस कल भी बताया था, मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी कैसे होगा. है रुपीज़ 35 एंड 60 पैसे एंड 60 पैसे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, रुपीज़ 35 एंड 60 पैसे. तो यहाँ पर एक तरह सबसे स्टार्टिंग में आप देखो कि सिर्फ रुपीज़ 35 ही है. सो कौन सी लाइन हमेशा हर क्वेश्चन में लिखते हैं जिसमें भी आपको पैसे में कन्वर्ट करना होता है, तो रुपीज़ 1 इक्वल 100 पैसे. ओके, अगर 1 की डिजिट आपको फाइंड है तो आप ज़्यादा का फाइंड करने के लिए क्या करते हो, कभी भी 1 से ज़्यादा का आंसर फाइंड करना होता है तो 1 लिख रहा है. तो हमें किसको चेंज करना है इस क्वेश्चन में, रुपीज़ 35. तो रुपीज़ 35 को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 35 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी नंबर होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. तो वो क्या हो जाता है, पैसे में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रुपीज़ 35 को चेंज हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने का. और क्या चीज़ है, इसमें 60 पैसे भी है जो ऑलरेडी पैसे में कन्वर्ट है, उसको हम उसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो अमाउंट हम प्लस करेंगे. देखो यहाँ पे ये लाइन कंपलसरी है हर क्वेश्चन में, जिसमें भी आपको पैसे में चेंज करना है उसमें सब में लिखना है. देन उसके बाद 35 को चेंज करना है, जो भी अमाउंट आपको चेंज करना है होता है उसको लिखो इक्वल का साइन. रुपीज़ वन की जगह आप क्या लिखोगे, जो अमाउंट आपको चेंज करना है वो नंबर. एंड देन उसको अगर आप 100 से नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पैसे लिखते हैं. और क्वेश्चन में जो भी पैसे में ऑलरेडी गिवन है वो अमाउंट आप उसमें प्लस करोगे. ठीक है, नाउ 35 मल्टीप्लाई 100 इट्स मीन आंसर इज 35 मीन्स 35 एंड 20 मीन्स 3500 पैसे. ओके, देन इसके बाद 60 प्लस पैसे अगेन प्लस. सो यहाँ 35 और 60 में डबल ज़ीरो में प्लस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 60 पैसे इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सी. रुपीज़ 47 एंड 20 पैसे. सो जो रुपीज़ में है सिर्फ उसी को चेंज करेंगे. सो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट लाइन कंपलसरी है सब क्वेश्चन में लिखना, रुपीज़ 1 इक्वल 100 पैसे. और अब हमें किसको चेंज करना है, रुपीज़ 1 की जगह हम लिखेंगे जो हमें नंबर चेंज करना है, 47 को चेंज करना है. अब किससे मल्टीप्लाई करने पर 47 पैसे में चेंज हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसे. और जो ऑलरेडी पैसे में है वो क्या है, 20 पैसे. इसको इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी से चेंज है और क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सो 47 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4700 पैसे एंड प्लस 20 पैसे. सो यहाँ टू डिजिट वंस और टेंस तो 00 की जगह क्या हो जाएगा, एंड में 20 हो जाएगा, 20 पैसे. तो ये आपका आंसर हो गया 4720 पैसे, पूरा पैसे में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. रुपीज़ 52 एंड 76 पैसे एंड 76 पैसे.
सेम कौन सी लाइन लिखेंगे, रुपीज वन इक्वल 100 पैसे, रुपीज वन की जगह जो जिसको हमें चेंज करना है वो लिखेंगे, इक्वल 52 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करने पर पैसे में हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर। और क्वेश्चन में और क्या नवा है पैसे में, 76 पैसे, तो 76 पैसे को प्लस करेंगे, ठीक है। देन 52 मल्टीप्लाई 100, तो 5200 पैसे हो जाएगा, और फिर इसमें 76 पैसे हम प्लस करेंगे, सो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52 00 की जगह 76, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन एफ, बट मैं आपको लिख दूँ क्वेश्चन, ठीक है। रुपीज 93 एंड 80 पैसे, 80 पैसे, सो कैसे करना है यहाँ पे, वही फर्स्ट लाइन सब में सेम, रुपीज वन इक्वल 100 पैसे, एंड देन कन्वर्ट इंटू कन्वर्ट 93 रुपीज इंटू पैसे, सो वी विल मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, द नंबर विल बी चेंज इन पैसे, एंड देन द गिवन अमाउंट 80 पैसे 93 मल्टीप्लाई 100 इसमें 9300 पैसे प्लस 80 पैसे, सो द आंसर वी विल गेट ऑनली राइट डाउन 93 एंड 00 की जगह है यहाँ पे 80 पैसे, दिस इज द आंसर। सो हर एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से करना है, रुपीज़ जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई 100 से करने पर आपका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी गिवन पैसे होंगे उसको उसमें प्लस कर देंगे, रुपीज़ को जो चेंज करा ना उस अमाउंट में क्या प्लस करेंगे, जो आपने पैसे में कन्वर्ट किया है, ठीक है। हर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 35 बन सा 35 ही होगा, जो भी नंबर उसका उसके पीछे डबल देंगे, 52 है तो 5200, 47 है तो 4700, 93 है तो 9300 है ना, ठीक है। और जो भी पैसे होंगे उनको प्लस कर लेंगे लास्ट में, एंड में 00 की जगह आपको इस नंबर को प्लस करके इस तरीके से लिखना है। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी।